Hey, what's up guys? खुशी पटेल here. Welcome to Spices Foodie. नवरात्रि आ रही है तो कुछ नया खाने का मन करे तो जल्दी से बन जाने वाला नाश्ता आज हम बनाएंगे. सेव उसल बनाएंगे. एकदम ही टेस्टी और जल्दी बन जाता है. तो चलो बनाना शुरू करते हैं. मैंने यहाँ एक एक कप ग्रीन और वाइट सूखे मटर लिए हैं और 4 टेबलस्पून मूंग दाल, 4 टेबलस्पून तूर दाल ली है. एक बर्तन में ये दोनों मटर को ओवरनाइट भिगो के रखेंगे. ये हमारे मटर अच्छे से सोख हो गए हैं और उसे 4 से 5 बार साफ पानी से धो लेंगे ताकि स्मेल ना आए. और ये दोनों दालों को भी 3-4 बार पानी से धो लेंगे. एक कुकर में मटर को बॉईल करने के लिए रखेंगे. दाल भी उसमें डाल देते हैं. और मैंने यहाँ 2 बड़े वाले पोटैटो लिए हैं. उसमें स्वादानुसार नमक और पानी डाल के बॉईल करेंगे. मैंने यहाँ 1 किलो टमाटर काट के लिए हैं. अब हम खड़े मसाले ले लेते हैं. यहाँ मैंने 4 से 5 लौंग, 4 से 5 ब्लैक पेपर, 1 चक्री फूल, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 तमालपत्र, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून अदरक और हरी मिर्च ली है. अब हम तड़का लगाते हैं. एक पैन में 4 टेबलस्पून जितना ऑयल लिया है. तेल गरम हो जाए तब 2 टीस्पून जितना जीरा डालेंगे और सारे खड़े मसाले डाल देते हैं. इसमें तड़के के वक्त एक बात का खास ध्यान रखेंगे. पाउडर मसाला डालें तब तुरंत ही टमाटर डालेंगे ताकि मसाले में थोड़ा स्मोकी फ्लेवर भी आ जाए और मसाला जले भी नहीं. यहाँ 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और थोड़े कोरिएंडर डाल के तुरंत ही टमाटर डालें. एक टेबलस्पून अदरक, हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, स्वादानुसार नमक, 2 नींबू का रस. सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे. टमाटर अच्छे से पक जाए तब ये खड़े मसाले साइड पे निकाल लेंगे. और इसे ब्लेंड करेंगे. ग्रेवी हो जाए तब खड़े मसाले फिर से डाल देंगे. 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर रेड कलर के लिए डालेंगे. 1 कप जितना इमली गुड़ का पानी भी डालेंगे. थोड़ा सा और गुड़ भी डालेंगे. ढककर पकाएंगे. पक जाए बाद में थोड़ा गर्म पानी डालेंगे और इसे उबालेंगे. अच्छे से उबाल आए बाद में बॉइल्ड मटर डालेंगे. और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे. एक टेबलस्पून जितना गरम मसाला ऊपर डालेंगे और इसे हिलाए बगैर ही ढक दें. अच्छे से उबाल आए बाद में हिलाएंगे और थोड़ा घट हो जाए तब तक पकाएंगे. जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं. तो देखो हमारा सेव उसल रेडी है ना. एकदम ही इजी रेसिपी. इसके ऊपर थोड़ी सेव और कोरिएंडर डालेंगे. आप इसमें अनियन टमाटर भी डाल सकते हैं. तो हमारा सेव उसल बनके रेडी है. तो घर पर जरूर बनाइए और नवरात्रि में नाश्ता का आनंद ले. हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी चैनल को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय, सी यू टू नेक्स्ट वीडियो।